महाराज जी, किस तरीके का क्या है घटना? परमहंस आश्रम बाबू गंजगरा गौरी के जनपद में ठीक है, एक धार्मिक पीठ है। मेरे भास्कर द्विवेदी जी जो बाजगढ़ी गौरीगंज थाना के निवासी हैं, आज 17 वर्ष पूर्व जब मुझे पॉइजन दिया गया दूध में, तब से मैं कहीं बाहर फलाहार नहीं लेता हूँ। ये परिवार मेरे पारिवारिक जन्मस्थान से जुड़ा है। मेरी बुआ जी की जो भतीजी थी वो इनको ब्याही गई थी, तब से पति पत्नी दोनों लोग मुझे फलाहार देने की व्यवस्था करते थे। मैं दिन में कोई जल नहीं पीता हूँ, मैं सुबह जल पीता हूँ और शाम को जल पीता हूँ। दिन में फलाहार लेता हूँ, सुबह वाला पानी उबाल करके वो क्रम के हिसाब से रोज 5 बजे अपने घर के लिए प्रस्थान करती थी, शाम को आया करती थी। आज भी वो जैसे आश्रम पार की हैं, आश्रम के बाहर उन्हें उन पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम जो जाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा हुआ पड़ा था, और वो वहाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। हम लोग उनको लेकर जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी हैं। लेकिन इसमें स्थिति में, क्योंकि एक इसके पूर्व भास्कर द्विवेदी जी के जो पिताजी थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका अपहरण किया गया था। 5 बीघे जमीन है भी की लिखा करके तमाम आतताई गुंडों ने मतलब जमीन, करोड़ों की जमीन को बेच करके वहाँ कब्जा किया, तो उसमें कई लोग उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। इसको लेकर के आए दिनों विरोध करते थे, कुछ जमीन उसकी भी निर्माणाधीन बाकी थी, इसको लेकर के परिस्थिति थी। और उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया है, और हत्या करके इसलिए इनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी की डॉक्टरी पढ़ रही है, बच्चे सभी पढ़ लिख रहे हैं। बात करिए सीधे साधे ईमानदार और सज्जन व्यक्ति क्षेत्र के, मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण है, क्योंकि मैं बार बार प्रशासन से कभी कभी कहा करता था कि इस परिवार की हत्या की जा सकती है, अपराधी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हर समय लापरवाही हुई, और हुआ वही जिसकी मुझे आशंका थी। आज उस परिवार का जो होना व्यक्तित्व था होना ही रहा।